मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम जीके में 10 वाटर व्हीकल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको 10 लर्न करा चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट अपने 10 लर्न करेंगे। तो आप 10 लर्न कर चुके हैं, चलिए आगे के हम 10 देखते हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट है बार्ज। क्या है? बार्ज, BARGE। बार्ज मीन्स होता है, ये क्या होती है? ये एक तरीके की बोट होती है। क्या होती है? नाव होती है। जो कैसी होती है? जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत लंबी होती है और पतली होती है। कैसी? लॉन्ग और नैरो होती है। और इसका जो बॉटम होता है, जो नीचे की सरफेस होती है, वो बिल्कुल फ्लैट होती है। कैसी होती है? बिल्कुल फ्लैट। जो उसकी नीचे की सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। और ये कैसी होती है? लंबी और पतली नाव होती है, ठीक है। जिसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? नदियों में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो नहर है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। तो ये आपको मोस्टली रिवर्स में दिखाई देंगी, ठीक है। कहाँ पर दिखाई देंगी? रिवर्स है या फिर कोई नहर है, वहाँ पर आपको ये बोट्स दिखाई देंगी। और इसका नेम है बार्ज। क्या है बच्चों? बार्ज, BARGE। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चों आपकी स्पेलिंग CANOE। CANOE इसको क्या पढ़ते हैं? कनू। क्या पढ़ते हैं? कनू। तो ये किस तरीके की बोट होती है? ये बहुत लाइट वेटेड बोट होती है। कैसी बोट होती है? बहुत लाइट वेटेड बोट होती है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत हल्की होती है और बहुत पतली होती है। कैसी होती है? नैरो, पतली और लाइट वेटेड बोट होती है, ठीक है। जो किसके ऊपर चलती है? पानी के ऊपर ही चलती है। नाव है तो पानी के ऊपर चलेगी। और इस बोट में एक या एक लोग, 1 पर्सन बैठ सकता है या फिर 2 पर्सन बैठ सकते हैं। तो एक या दो लोगों के लिए ये नाव होती है, ठीक है। और उसको किससे चलाया जाता है? पैडल से चलाया जाता है। क्या होते हैं? लकड़ी के दो फ्लैट पीसेज होते हैं, उनके हेल्प से इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? कनो। क्या है बच्चों? कनो, CANOE। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो है आपकी कॉरिकल। क्या है बच्चों? कॉरिकल, CORACLE। कॉरिकल क्या होती है? ये भी एक तरीके की बोट होती है। क्या होती है? ये भी एक तरीके की बोट होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये कैसी होती है? बहुत स्मॉल। कैसी है? बहुत छोटी बोट होती है और राउंड शेप में होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये कैसी है? राउंड शेप की होती है, बहुत छोटी। और ये भी कैसी होती है? बहुत लाइट वेटेड होती है। तो स्मॉल, राउंड एंड लाइट वेटेड बोट कौन सी है आपकी? कॉरिकल। कौन सी है? कॉरिकल, ठीक है। कॉरिकल जो मोस्टली वेस्ट कंट्रीज़ में आपको दिखने को मिलेंगी, वेस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। कौन सी बोट का? कॉरिकल का, ठीक है। और ये मोस्टली पता है इसलिए यूज़ की जाती है, जैसे जो बड़ी बड़ी बोट है, तो बड़ी बड़ी बोट में से लोगों को उतरना होता है, तो उतरने के लिए तो उस बोट से उतर कर इस वाली बोट में आ जाती है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी बोट से जब लोगों को निकलना है, उतरना है, तो वो इस बोट का इस्तेमाल करते हैं उतरने के लिए। क्या है इसका नाम? कॉरिकल, CORACLE, कॉरिकल। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है डिंगी। क्या है? डिंगी, DNIGHY। तो ये भी एक तरीके की बोट है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कैसी बोट है। ये भी एक स्मॉल बोट है, एक छोटी छोटी बोट है। जो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बोट्स होती है ना, तो उनके उनसे उतरने के लिए, या फिर बड़ी बड़ी बोट से लोग उतरते हैं, तो उनको फिर छोटी बोट्स की नीड होती है, तो वो इसका यूज़ करते हैं डिंगी। जिसको भी किससे चलाया जाता है? पैडल से चलाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, तो फ्लैट पीसेस आपको वुड के दिखाई दे रहे होंगे ये। तो ये बच्चों, ये वुड की भी बनी होती है, रबर की भी बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है? डिंगी, DNIGHY। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, नेक्स्ट है गोंडोला, GONDOLA। गोंडोला क्या होती है? गोंडोला इस तरीके की बोट होती है। और आप इस बोट का एक फीचर देख रहे होंगे कि दोनों तरफ से, जो उसके दोनों एंड हैं, वो क्या है? बहुत ऊंचे हैं, है ना।
दोनों एंड क्या है, बहुत ऊंचे इस तरीके से, तो ये तो इसके ये दोनों एंड वो क्या है, बहुत ऊंचे होते हैं, क्या होते हैं ये दोनों एंड से बहुत ऊंची होती है, हाई होती है। और ये यूजली कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, नहर में यूज़ की जाती है, जो नहर होती है ना वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगी। और ये बहुत लाइट वेटेड होती है, कैसी होती है, लाइट वेटेड होती है। और जो इसकी आप नीचे देखेंगे तो उसका बॉटम है ये बिल्कुल फ्लैट होता है, कैसा बॉटम होता है, बिल्कुल फ्लैट बॉटम होता है। तो इस तरीके की बोट को हम क्या बोलते हैं, गोंडोला, GONDOLA। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है कायक, KAYAK। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, ये एक तरीके की बोट होती है, जो कैसी होती है, बहुत लंबी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत लंबी होती है और नैरो बोट होती है, और ये केवल एक ही पर्सन के लिए होती है, किसके लिए होती है, एक ही पर्सन के लिए होती है। और उसको चलाया भी जाता है, किससे, पैडल की हेल्प से इसको चलाया जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसमें, और ये जो पैडलर बैठा हुआ है, कौन है ये, जो पैडलर है वो इसको क्या कर रहा है, चला रहा है, आगे की तरफ बैठा हुआ है, वो आगे की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, और ये जो उसके हाथ में जो पैडल लगा हुआ है उसकी हेल्प से वो अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कायक, KAYAK। आई बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सर्फ बोर्ड, क्या है, सर्फ बोर्ड, SURFBOARD। सर्फ बोर्ड क्या होता है, तो आप तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्फ बोर्ड कैसा होता है, ये बहुत फ्लैट होता है, कैसा होता है, एक फ्लैट, एक लंबा बहुत फ्लैट बोर्ड टाइप का होता है, लंबा और फ्लैट, और कैसा, बहुत पतला एक बोर्ड होता है, जो क्या होता है, जब जो जैसे वेव्स आती है ना, लहरें आती हैं, तो लहरों पर राइड करने के लिए, उन लहरों पर राइड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सर्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, जब वो लहरों पर राइड किया जाता है तो इस सर्फ बोर्ड की हेल्प से ही उस पर राइड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्फ बोर्ड, SURFBOARD। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइमरन, TRIMARAN। तो ये क्या होती है, ये तरीके की बोट होती है जिसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है, किसके ऊपर, ओपन वाटर के ऊपर। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, तो ये इस तरीके की क्या होती है, बोट होती है। क्या नेम है इसका, ट्राइमरन, ट्राइमरन, TRIMARAN। आई बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है वॉरशिप। देखिए ये क्या होती है, ये एक तरीके की मतलब बहुत बड़ी बोट होती है, जिसको पता है कब यूज़ किया जाता है, युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता है, या फिर क्या होता है कि जब जो हमारे दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, अगर वो पानी के थ्रू हम पर अटैक करते हैं, पानी से अटैक करते हैं ना, तो पानी के थ्रू अटैक करते हैं अगर हमारे ऊपर, पानी में अंदर पानी के थ्रू या फिर कोई समुद्र के थ्रू हम पर अटैक करते हैं, तो हम इस शिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनसे लड़ने के लिए, तो इसमें बहुत सारी फोर्स होती है, इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या है ये, वॉर शिप। आई बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों यॉट, कौन सी है, यॉट, और ये आपकी लास्ट है, लास्ट वाटर व्हीकल है, दैट इज़ यॉट, YACHT, यॉट। तो आप इस छोटे से फिगर में भी देख सकते हैं, इस तरीके की जो बोट होती है आपकी, ये क्या होती है, यॉट। और आप ये भी देख सकते हैं, ये क्या होती है, ये यॉट होती है। आई बात समझ में, तो मोस्टली लोग यॉट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब उन्हें मतलब मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेसिंग करनी है, तब इस यॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज फॉर प्लेजर और रेसिंग। आई बात समझ में सभी बच्चों को, तो ये है यॉट, YACHT। तो इसी के साथ आपके 20 वाटर व्हीकल ख़त्म हो गए हैं, हम 10 पढ़ चुके हैं, 10 आज हमने पढ़ लिए। अब आज आपका वर्क है कि आपको अपनी नोटबुक में सारे वाटर व्हीकल्स को लिखना है, उस साथ के साथ याद करना है।
ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।